मो ना होचे तिरुपति मो आसेचे कोरापुट रो तिरुपति भलो ना टिए तिरुपति देव अछंती नै बाबा दै छंते नाटा बाबा दै छंते नाटा प्रभु को दर्शन करिवा पाई मन भितर जो प्रबल आग्रह मासुक मास हुए ना प्रभु केते बेले माने केते बेले मु त जाने ने मोर जते बेले हटात मो मन हुए मु सेई दिन माने बाहर पड़े पूरी पाई बोले के एबे बे लास्ट तीन दिन आगर हटात मन हला मो एक्चुअली प्लानिंग थिला कुआडे हटात मन हला ना आज पूरी जेबे तो हटात के पूरी पळे आसले माने आपणकर सिद्धांत करथिले अन्यत्र अछि किंतु हटात कालियांकर दर्शन है दर्शन है गला माने मो भाबिथिले कुआडे जेबे बोले बट आज माने मो आज आसीके अछि पूरी रे निजकु सौभाग्य भावुंत भावुचे माने मो हटात के मन कले कालिया डोरी भी लगला कि मो सांगे सांगे आसिक दर्शन भी कले आगर जिते थर आसी हटात आसी कि प्लानिंग करके ना जब भी मुझे हटात ही आसीचे किसी प्लानिंग ही मोर न था जिते भी बाहर मैंने मन हम हटात ना आज जब पूरी और सांगे सांगे कालिया भी डोरी लगे जाए मैंने सांगे सांगे पलि आसे मु प्रकृत में कालियांकर दर्शन जगन्नाथंकर दर्शन जिते मन भितर आसी था प्रभु से बड़े डक पूरी की आज्ञा 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 हाँ आपणकर अनुभूति कहवापी प्रबल आग्रह कौन रखिंट प्रभु को दर्शन कर अनुभव पाई एक्चुअली मत कोविड होता से कोविड टाइम मैंने मोर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम थी माने पूरा से 69-70 एमती हो जाता आहरी कमी जाता जो डॉक्टर कही कि ना आपण को मैंने अलग आउ मे भुवने मु ब्रह्मपुर मैं मेडिकल थी से मत कही कि ना तुमको अलग आउ कौटी नापी पड़ो ये सीए बोले बाकी से दिन राति मो फैमिली का मैंने समस्त बहुत चिंतार थे तपर हठात कौन है मैंने भगवान मोर विश्वास था मो भगवान को भी से दिन राति डाकि मोर जो देह खराब थी आ मो घर फैमिली लोक भी डाकि समस्त आशीर्वाद रु मैंने हठात मो सका जिते मैंने मो ऑक्सीजन लेवल 92-93 एमती हो जाए जो भी मुझे चिकित्सा होती से ही डॉक्टर मत निजे कहले कौन एमती है हठात कि बढ़ीगला बोल से मुझे जान ली ना एक्चु मैंने प्रभु मो डाक शुणिले बोली प्रभुंकर कृपा प्रभु चाहिले डाक्टरी विद्या भी आश्चर्य ही जा आश्चर्य एटा सत कथा आपण से जो ऑक्सीजन लेवल कम थिला जो कहले डॉक्टर माने कहले आपणकर जीवन प्रति विपद निश्चित भाव थी हाँ जीवन प्रति विपद से मैंने घर लोक बहुत टेंशन रे थे मैंने सका पाइले मैंने कुआडे जावा कौन करवा कौन ना मैंने पूरा सब मैंने पूरा प्लानिंग करके कौटिक नवा कौन करवा बोले हटात कि मैंने मुझे आश्चर्य जिते मोर ऑक्सीजन लेवल सका चेक कराला राति मत ऑक्सीजन भी लगी सका जिते मैंने मुझे आश्चर्य जो डॉक्टर आसिक चेक कले ऑक्सीजन लेवल से मैंने पूरा मैंने ऑक्सीजन लेवल मोर जो 90-92 फर्चुआल होता 92-90-89 फर्चुआल होता से डॉक्टर कहले ना तुमर एवं मैंने भल हे टाइम पलै आसला आउ डरबार ना आउ कड़े जबार भी ना ये ही तुम भल हो आउ गोटे दुई दिन तुम रुई तीन दिन तुम ऑक्सीजन लेवल लेवल को पलै आस प्रकृत से जो परिस्थिति कोरोना कोविड समय परिस्थिति समस्त मन को आग पाप छुई जाए मान से आखि आगे समस्त गोटे परे गोटे गोटे परे गोटे जीवन जाइछि आमे देखिछे से स्थिति रे से परिस्थिति रे आपण डॉक्टर कहउछन्ते आपण को अन्यत्र निया जीव ऑक्सीजन लेवल कमी जाउछि कोविड बेले कई पाखु को निज लोक जाई नथिबे एका सुख को आपण विश्वास करिवेनि बापा मा आउ मो सळा जे माने आपण बिलीव करिवेनि मते कोविड हेथाय बाकी तांका पाखरे सेति के माने भगवान को आशीर्वाद मो बेड रे तांके सोई चंदे माने मो एते डरी जाईथिलि मते जतेले कहिले एमकेसीजे मेडिकल भितर जॉइन करिवा पई माने मो पूरा डरी जाईथिलि मो सळा जे तांके मो माने मो डरी गलि बोले तांके मो कहिले नाही तिरुपति मु तमो सामना साइड रे सोइबे आ तांके मो सते एते धैर्य मैंने आप विश्वास करें से मैंने कहले पूरा बापा माँ तापर तांके गोटे मैंने एमती लोक मैंने जहाँपी कि मैंने मो जीवन टा आज बंची जा भगवान का आशीर्वाद से जो शेष पदक भगवान का आशीर्वाद निश्चित पक्षे जदि जीवन रखिए प्रभु ही रखिए प्रभु ही रखिए यहाँ मैंने पूरा 100% सियोर भगवान का आशीर्वाद जो ही आज ये सब जिनपर आईपाई आज आसिक कालियार दर्शन मुझे मोर के किसी भी प्लानिंग न था से दिन टू दर्शन रो आज नुहे
ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ଯାଏଁ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ଏ ସଂକଳ୍ପ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି। ହଁ ମାନେ ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ବା ମାନେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହରେ ଜୀବନ ଅଛି ଏଇ ଜଗାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଲା ଆଉ ମୋର ଏତିକି ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମନ କରୁଛି ଭଗବାନ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ଲାନିଂ କରିବି ତାହେଲେ କାଲି ହଠାତ୍ କି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଦେବତା ପାଇବେନି ଭାଇ, ସତ କଥା। ଏମିତି ଦେବତା ଜଗତରେ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ପା। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦୟାଳୁ, ମହାପ୍ରଭୁ କୃପାବନ୍ତ। ସେ ଦୟା କୃପାକୁ ଭକ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ହଁ ଏଇଟା ପୁରା ସତ କଥା। ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କେ ତ ଦୟାଳୁ ନଥିଲେ ଆଜି ଆମ ଜୀବନ କାହା କଥା ଛା ମୋ ନିଜ ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଟିଏ ଆସିଲେ ତାକୁ ଦେବତାର ଭାବ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ତାର ନିଜର ଲୋକ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ନିଜ ମୋତେ ଲାଗେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ହେସେ ଭଗବାନ ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଆଉ ପୁରୀଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇକି ଥରେ ବସିବେ, ଯିଏ ବି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇକି ଥରେ ବସନ୍ତୁ, ଯେତେ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇବେନି ସେ ଶାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ।